हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। ओडिशा जीएनएम का जो सीट अलॉटमेंट है वो डिक्लेयर हो चुकी है, तो आपको वो कहाँ पे जाकर चेक करना है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो स्टार्ट करते हैं, अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करनी होगी, वहाँ पर आपको ओडिशा जीएनएम 2021 एग्जैक्टली टाइप करनी होगी। तो आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं, आपको यहाँ पर गूगल सर्च पर क्लिक करके सर्च करना होगा, ये फर्स्ट वाले लिंक पर एग्जैक्टली क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड सीट अलॉटमेंट आउट हुई है, सेकेंड राउंड का 3 जनवरी को ही। आपको यहाँ पर गेट कॉल बैक पर क्लिक करना है और ये जो सामने आपके फॉर्म है इस फॉर्म फिल कर देना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर कट करनी, सेकेंड सीट अलॉटमेंट आउट हुई है, स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर सीट अलॉटमेंट आउट हुई है, आप देख सकते हैं। और बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सेकेंड राउंड का, यहाँ पर लिखा है सीट अलॉटमेंट ऑफ जीएनएम नर्सिंग कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लीकेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, रैंक, इंस्टीट्यूट नेम, टाइप चॉइस और रजिस्ट्रेशन कैट नंबर और नेम, ये बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी सीट अलॉटमेंट है, यहाँ पर जो भी बच्चा अलॉटेड है, वो यहाँ पर अपना देख सकते हैं डिटेल्स। सो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होता है, आप डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करें।